स्वागत है आप सभी का अन अकेडमी के लेट्स क्रैक यू पी हिंदी के यूट्यूब चैनल पर आज की क्लास में हम लोग इस चैनल के माध्यम से एंशियंट इंडिया या प्राचीन भारत के एक महत्वपूर्ण खंड का अध्ययन करेंगे यह है मौर्य साम्राज्य के रूप में आप लोगों के सामने होगा इसमें हम लोग चंद्रगुप्त मौर्य उसके पुत्र बिंदुसार और बिंदुसार के पुत्र अशोक का अध्ययन करेंगे तो स्वागत है तैयार हो जाइए आप सभी लोग जानते हैं हम लोग अन एकेडमी के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातों को उसके बाद में सीधे अपनी क्लास पे आ जाएंगे तो ये जो संस्थान है यहाँ पे एक देश के सर्वश्रेष्ठ जो एजुकेटरों की टीम है उसके माध्यम से आप लोगों को मार्गदर्शन मिलता है यूपीएससी के परिप्रेक्ष्य में मैं भी इसमें शामिल हूँ यहाँ पे आप लोगों के लिए अन के द्वारा टेस्ट सीरीज की शुरुआत की गई है और ये जो टेस्ट सीरीज है ये प्रारंभिक परीक्षा के लिए भी है और मुख्य परीक्षा के लिए भी है हाँ ये जो ऑफर है ये तीस जून तक है तो इसे आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं इसके अलावा यहाँ पे महासब्सक्रिप्शन का एक ऑफर चल रहा है और इस ऑफर में संस्थान की तरफ से आपको पच्चीस प्रतिशत और हमारे रेफरल कोड के माध्यम से आपको दस प्रतिशत यानी कुल मिला के पैंतीस प्रतिशत की भारी भरकम फीस में छूट मिल रही है इसको आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं और ज्वाइन करने में जल्दी कीजिएगा आज संडे है मंडे ट्यूजडे थर्सडे एडनेसडे यानी इसकी जो डेट है लास्ट डेट वो 23 जून है ध्यान रखिएगा इस प्रोग्राम की खास बात यह है इस सबक्रिप्स की इस एडमिशन की खास बात यह है कि यहाँ पे एक साल दो साल तीन साल का यहां पे सब्सक्रिप्शन मौजूद है ये सामान्य अध्ययन ऑप्शनल का है और आइकॉनिक सामान्य अध्ययन और ऑप्शनल का कंप्लीट अध्ययन यहां पे करवाया जाएगा यानी यूपीएससी में कुछ भी आपको कहीं और पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी चाहे वो प्रलिम्स एग्जाम हो प्रारंभिक परीक्षा हो चाहे वो मुख्य परीक्षा हो चाहे वो ऑप्शनल पेपर ही क्यों ना हो संपूर्ण अध्ययन करवाया जाएगा सार गर्भित अध्ययन करवाया जाएगा एक साल का भी कोर्स ले सकते हैं दो साल का भी कोर्स है और इसी में छूट आपको मिल रही है पैंतीस प्रतिशत की इसमें जो हमारा रेफरल कोड है वो एस ए एन जे डबल ई बी है इसी का आप लोगों को प्रयोग करना है इसका प्रयोग करेंगे तो आपको फीस में छूट मिलेगी मतलब यहाँ पे रेफरल कोड के माध्यम से जैसे सत्तावन फीस है प्लस और यहाँ पे प्लस का सामान्य अध्ययन और ऑप्शनल आप, आप पेपर तो आपकी फीस इक्यावन हजार हो जाएगी और इक्यावन हजार समथिंग जब आपकी फीस होगी और इस फीस के माध्यम से आपको एक साल का सब्सक्रिप्शन और है कि ये जो सब्सक्रिप्शन बैलेड होगा ये यूपीएससी दो की मुख्य परीक्षा तक बैलेड होगा तो मुख्यतः प्रारंभिक परीक्षा कब होती है जून के आसपास में होती इस बार भी प्रारंभिक परीक्षा जून में थी लेकिन ऐसा हुआ नहीं तो मान लो जून में प्रारंभिक परीक्षा होती है तब जाके कहीं अक्टूबर में मुख्य परीक्षा होती है तो एक साल का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको चार महीने का और सब्सक्रिप्शन मिल ही रहा है स्वाभाविक रूप से यानी करीब करीब फोर्टीन मंथ का सब्सक्रिप्शन यहां पे मिल रहा है ये बहुत बड़ी बात है। कोई डायरेक्ट यहाँ पे सब्सक्रिप्शन नहीं ले सकता है तो अन उसको लोन भी प्रोवाइड करती है ये लोन का लिंक दिया हुआ है इस लिंक के माध्यम से आप लोग यहाँ पे लोन प्राप्त कर सकते हैं लोन का एक भी रुपए आपसे चार्ज नहीं लिया जा रहा है एक भी रुपए आपसे चार्ज नहीं लिया जा रहा है ना कोई प्रोसेसिंग फीस है ना कोई एक्स्ट्रा चार्ज है। ये दो घंटे में अप्रूवल हो जाता है अगर किसी का लोन पास नहीं होता है तो मुझसे कॉन्ट्रेक्ट कर सकता है मैं दो घंटे में लोन उसका पास करवा दूंगा और वो सब्सक्रिप्शन लेके यहाँ पे पढ़ाई कर सकता है बीस बुक भी अन अकेडमी संस्थान द्वारा प्रदान की जा रही है और इंग्लिश हिंदी दोनों लैंग्वेज में प्रदान की जा रही है इसके अलावा दो प्रकार का सामान्य अध्ययन का कोर्स है एक प्लस कोर्स है और एक आइकोनिक है ये अलग से है और इसमें केवल सामान्य अध्ययन पढ़ाया जाएगा ध्यान रखना ये प्लस कोर्स में छह महीने बारह चौबीस और छत्तीस महीने के रूप में उपलब्ध है आइकोनिक कोर्स है ये 12, 24 और 36 महीने के रूप में उपलब्ध है इसमें आप लोगों को सब्सक्रिप्स लेते समय हमारा जो रेफरल कोड है एस एन जे डबल ई बी इसी का प्रयोग करना है जे डबल ई वी एस एन जे डबल ई बी इसी का प्रयोग करना है इसका प्रयोग करने पे यहां भी फीस में आपको 10 प्रतिशत की छूट मिलेगी इसके अलावा संस्थान द्वारा मुख्य परीक्षा के ऑप्शनल पेपर का भी सब्सक्रिप्शन शुरू किया गया है छत्तीस महीने का ये सब्सक्रिप्शन है चौबीस महीने और बारह महीने का ये सब्सक्रिप्शन है आप लोगों के बीच में इसमें भी फीस में आपको दस प्रतिशत की छूट मिल रही है और ये जो सब्सक्रिप्शन है इसमें भी हमारा लेते समय इस सब्सक्रिप्शन को इसमें भी आप लोग एस ए एन जे डबल नामक कोड का यूज करेंगे इसमें भी दस प्रतिशत फीस में आपको छूट मिलेगी और ये जो सब्सक्रिप्शन आप लोग ले रहे हैं इसके लिए स्पेशल इस बैच शुरू किया जा रहा है यहाँ पे संस्थान द्वारा स्पेशल बैच शुरू किए जा रहे हैं फ्रेश बैच शुरू किए जा रहे हैं न्यूली बैच शुरू किए जा रहे हैं बिल्कुल नवीन बिल्कुल फ्रेश बैच तो सब्सक्रिप्शन लेने में थोड़ा जल्दबाजी आप लोग कीजिएगा क्योंकि आज 20 तारीख है कल 21 परसों 22 बाईस तारीख तक आप लोग सब्सक्रिप्शन ले लीजिए कि 23 तारीख से आपकी क्लास शुरू हो जाए 23 जून से आपको क्लास करने में कोई बाधा न फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम होती है उसके लिए मैं हूं कोई भी समस्या होती है उसका समाधान हमारे द्वारा किया जाएगा आप लोग निश्चिंत रहिए टू ईयर का कोर्स यहाँ शुरू हो रहा है वन ईयर का और यूपीएससी फोनिक्स का रिविजन बैच भी शुरू हो रहा है है ज्वाइन करते ही हैं आप लोग अनएकेडमी कॉम्बैट है आज आप लोगों ने अनएकेडमी कॉम्बैट दिया ही होगा अब चलिए शुरुआत करते हैं तैयार हो जाइए आप लोग हम लोग मौर्य साम्राज्य के इतिहास का अध्ययन करेंगे ठीक हाँ मौर्य साम्राज्य के इतिहास का अध्ययन करेंगे हम लोग मौर्य साम्राज्य को पढ़ेंगे जो कि एक अखिल भारतीय साम्राज्य के, भारती के रूप में है जो कि एक अखिल भारतीय साम्राज्य के रूप में है तैयार हो जाइए पढ़ते हैं हम लोग मौर्य साम्राज्य को क्लास को लाइक करते रहना है आप सभी लोगों को क्लास शुरू होने से पहले एक बात मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि मुख्यतया ये यूपीएससी की क्लास है स्टैंडर्ड वही है क्लास का अध्ययन आप लोग करेंगे मन से तो यूपीएससी में अब तक जो प्रारंभिक परीक्षा में प्रश्न पूछे गए हैं आपको यहीं से मिल जाएंगे आपको अलग से साल पेपर नहीं पढ़ना पड़ेगा प्रारंभिक परीक्षा का जो यूपीएससी का मौर्य साम्राज्य का सिलेबस है वह भी पढ़ाया जाएगा जो यूपीएससी यहां से प्रश्न पूछ सकता है उस पर ध्यान बड़ी बारीकी से हमारा रहता है बस आपको मन से आपको तहे दिल से इस क्लास को स्वीकार करना है सब कुछ भूल जाना है इसके पूर्व की मौर्य साम्राज्य में आपने कहां पढ़ा है किसको पढ़ा है किसका लेक्चर देखा है किसका पीडीएफ देखा है सब कुछ भूल जाइए और मन से शामिल हो जाइए इस क्लास में उत्साह के साथ में दूसरी बात अगर आई का आप अध्ययन करते हैं तो आई से बड़ी कोई परीक्षा है नहीं आई एस तो आईएस समुद्र है और इसमें सभी स्टेट की परीक्षाएं आके मिलती हैं सभी नदियां आके मिलती हैं तो जब आई की परीक्षा की तैयारी आपकी होती है तो साथ साथ में स्टेट कमीशन की भी तैयारी होती है तो ये कोई पूछने की जरूरत नहीं है कि हम हिमाचल प्रदेश पीसीएस देते हैं वो निकलेगा कि नहीं अरे आप पढ़ के तो देखो इसका इस क्लास का फिफ्टी प्रतिशत भी तैयार करके देखो आपका कहीं रुकेगा तो बताना फिफ्टी प्रतिशत की बात कर रहा हूं और फिफ्टी प्रतिशत कोई बहुत बड़ी बात नहीं है तो हमने आपको बताया था प्राचीन भारत के इतिहास में कि सबसे पहले जब हमारी सभ्यता का उदय हुआ पाषाण काल के रूप में तब वहां पर ऐसी कोई राजनीतिक इकाई का उल्लेख हमें नहीं मिलता सेंदो सभ्यता में आते हैं सेंधो सभ्यता के राजनीतिक जीवन पर भी कोई गहराई से प्रकाश नहीं पड़ता क्योंकि वहां की लिपि इतिहासकार आज भी नहीं पढ़ पाए शायद सेंधो सभ्यता की इतिहासकार लिपि पढ़ लें जो कीलाक्षर प्रकार की लिपि नहीं बल्कि चित्राक्षर प्रकार की लिपि है पिक्टोग्राफिक प्रकार की लिपि है तो शायद सेंदो सभ्यता के बारे में कुछ और रहस्य खुलें हमें अन्य जानकारियां भी मिलें लेकिन जब हम वैदिक युग पर पहुंचते हैं तो वैदिक युग में हमें एक राजनीतिक इकाई दिखाई पड़ती है और इस राजनीतिक इकाई का नाम है जन उत्तर वैदिक काल में ये जो कई जन हैं ये आपस में मिल जाते हैं और जन नामक इकाई जो है ये जब आपस में मिल जाती है तो इसी से दूसरी राजनीतिक इकाई का विकास होता है और इसका नाम है जनपद तो जन से क्या आया जनपद आया और कई जनपद आपस में मिल जाते हैं तब एक नवीन राजनीतिक इकाई का विकास होता है जिसका नाम है महाजनपद महाजनपद के बाद में राज्य नामक इकाई का विकास होता है कई महाजनपद मिल जाते हैं और अब क्या बनता है अब एक राज्य बनता है तो जो पहला भारत का अखिल भारतीय राज्य है वो मौर्य साम्राज्य या मौर्य राज्य के रूप में है इसी राज्य का अध्ययन आप लोग पहली बार करने जा रहे हैं बाकी जन जनपद महाजनपद का अध्ययन आप लोगों ने कर लिया है अब बात आती है कि इस राज्य नामक मौर्य साम्राज्य या मौर्य राज्य की इकाई में वास्तव में हमें किन किन पक्षों का अध्ययन करना है किन किन खंडों का अध्ययन करना है सबसे पहले हमें ये देखना है तो ये जो मौर्य साम्राज्य है इसकी शुरुआत होती है 322 ईसा पूर्व में और यह समाप्त होता है एक ईसा पूर्व में तो 322 ईसा पूर्व में इसकी स्थापना भारत में चंद्रगुप्त मौर्या हम लोग फॉर्म में इसे सीएम के रूप में जानेंगे चंद्रगुप्त मौर्य के रूप में जानेंगे तो चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना 322 ईसा पूर्व में की और इस वंश का जो अंतिम शासक था उसका अंतिम जो समय काल था वह एक ईसा पूर्व था और अंतिम शासक का नाम था बृहद्रथ और इसी बृहदत्थ की हत्या इसी के सेनापति पुष्यमित्र सुंग ने करके भारत में सुंग बंश नामक एक ब्राह्मण वंश की स्थापना की तो ये जो मौर्य साम्राज्य हम लोग पढ़ेंगे जिसका जन्म 322 ईसा पूर्व में हुआ और एक ईसा पूर्व तक यह फलता फूलता रहा भारत की धरती पर इसके इतिहास को इसकी हिस्ट्री को आखिर हम जानेंगे कहाँ से पढ़ेंगे कहाँ से तो पहले खंड में हमने इसलिए रखा है कि ये जो मौर्य साम्राज्य का इतिहास है इसको जानने का सोर्स क्या है इसको जानने का हमारे पास साधन क्या है दूसरे खंड में हम लोग जानेंगे कि यह है जो मौर्य साम्राज्य का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य सी एम है इसका क्या इतिहास रहा है क्या ये किसी का दास था या इसका कोई अपना माता पिता था फिर चंद्रगुप्त मौर्य की मुलाकात कैसे चाणक्य या कौटल्या या भारत के मैकिया बैली होती है और मैकिया कैसे इसको ले जाता है और इस समय का जो प्रसिद्ध विश्वविद्यालय रहता है तक्षशिला विश्वविद्यालय वहीं का आचार्य कौटिल्या रहता है और कैसे यहाँ पे चंद्रगुप्त मौर्य को कौटिल्या तर्कशास्त्र की शिक्षा दिलवाता है घुड़सवारी की शिक्षा दिलवाता है और इसके बाद में तलवार बाजी की भी शिक्षा दिलवाता है और एक दिन इसमें जो चंद्रगुप्त मौर्य है वो पारंगत हो जाता है तो स्वयं चंद्रगुप्त मौर्य पूछता है कौटिल्या से कि भाई आप आखिर हमारी इतनी सेवा क्यों कर रहे हो हमारा इतना प्यार से पालन पोषण क्यों कर रहे हो शिक्षा दीक्षा क्यों दिला रहे हो तो अपने मन की बात मन की बात समझते हैं ना अपने मन की ये होती है मन की बात फिर अपने मन की बात बताता है कौटिल्या चंद्रगुप्त मौर्य को तब चंद्रगुप्त मौर्य आक्रमण करता है और भारत में इस समय मगध वंश का शासन रहता है इसका शासक घनानंद रहता है घनानंद को पराजित करता है और पराजित करके भारत में एक नवीन राजवंश की स्थापना करता है और स्थापना करने के बाद इस नवीन राजवंश जिसका नाम मौर्य वंश था इसके लिए क्या क्या एफर्ट करता है इसके इतिहास को इसी पहलू में हम लोग पढ़ेंगे इसके अलावा ये जो चंद्रगुप्त है चंद्रगुप्त के समय में अंतिम वर्षों में जो मगध है जो मगध की राजधानियां हैं राजगृह और पाटलिपुत्र बड़ा भयंकर अकाल पड़ता है कई तरीके का प्रयास करता है चंद्रगुप्त लेकिन वो समाप्त तो नहीं होता तो अपना राज सिंहासन अपने पुत्र बिंदुसार बिंबसार नहीं बिंदुसार के पक्ष में त्याग कर यह जैन मुनि भद्रबाहु के साथ चला जाता है श्रवण बेलगोला की पहाड़ी पर जो कि कर्नाटक में स्थित है और वहीं पर उपवास के द्वारा ये अपने प्राणों को त्याग देता है जैन में उपवास के द्वारा प्राण त्यागने की पद्धति को संथारा पद्धति के नाम से जाना जाता है जिसमें व्यक्ति खाना पीना बंद कर देता है और उपवास के द्वारा अपने प्राणों को त्याग देता है जिस पर वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय ने इस प्रथा को सुसाइड मानते हुए इस पर प्रतिबंध लगाया हुआ है तीसरा जो खंड है वो सम्राट अशोका ग्रेट का है पूरे विश्व के इतिहास में तीन शासक ऐसे हैं जिनके नाम के बाद में महान शब्द का प्रयोग किया जाता है तो सबसे पहले पूरे विश्व में इस महान शब्द का प्रयोग किया जाता है सिकंदर के बारे में सिकंदर ग्रेट सिकंदर महान जो कि मकदूनिया का शासक था इसी सिकंदर या अलेक्जेंडर का उत्तराधिकारी अभी आएगा जिसका नाम सेल्युकस है और सेल्युकस आक्रमण करेगा चंद्रगुप्त के राज्य पर और चंद्रगुप्त गजब की पटकनी देगा एक विदेशी शासक को पहली बार भारत की धरती पर और दोनों में एक संधि होगी और संधि की बाद में चंद्रगुप्त मौर्य का विवाह होगा सेल्युकस की पुत्री से जिसका नाम है हेलना याद आ रहा है ना हेलना तो ये अशोक महान के इतिहास को हम लोग पढ़ेंगे इसके बाद में मौर्य साम्राज्य के परवर्ती शासक कुछ आएंगे अशोक के बाद मौर्य साम्राज्य का पतन होना स्वाभाविक हो जाता है क्योंकि जो, जो भी शासक आते हैं वह अत्यंत कमजोर प्रकार के होते हैं हालांकि मौर्य साम्राज्य के पतन के कई अनेक कारण भी हैं तो मौर्य साम्राज्य के पतन के या डाउनफॉल के रीजन क्या हैं इसमें हम लोग चौथे पांचवें पहलू के अंतर्गत इसका अध्ययन करेंगे एक अन्य पहलू है और इस पहलू में हम लोग मौर्य साम्राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था का अध्ययन करेंगे प्रशासनिक व्यवस्था में सभी प्रकार की व्यवस्थाएं आ जाएंगी कि आर्थिक प्रशासन क्या है सैनिक प्रशासन क्या है जिले का प्रशासन क्या है तहसील का प्रशासन क्या है गांव का प्रशासन क्या है कमिश्नरी का प्रशासन क्या है राज्य का प्रशासन क्या है प्रांतों का प्रशासन क्या है पाटलिपुत्र का प्रशासन क्या है इसका अध्ययन हम लोग करेंगे इसके बाद में हम लोग मौर्यों के समय की सामाजिक और न्यायिक व्यवस्था का अध्ययन करेंगे देखेंगे कि, कि के समय में समाज में समाज क्या क्या प्रगति हुई क्या भारतीय समाज वही ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य सूद्र नामक चार वर्गों में विभाजित है तो उसमें सभी वर्गों की स्थिति क्या है महिलाओं की स्थिति क्या है क्या महिलाएं आगे बढ़ी महिलाओं की स्थिति में कुछ उत्कर्ष हुआ या समान स्थिति बनी रही या कि उसमें कुछ घटोत्तरी हुई इसको भी हम लोग देखेंगे इसके अलावा मौर्य कला का अध्ययन करेंगे मौर्यों की राजकीय कला क्या है राजकीय कला ये होती है वह होती है जिसको मौर्य सम्राट या मौर्य शासक या कोई भी शासक अपने दरबार में प्रश्रय देता है उसमें चित्रकला भी होती है उसमें लोक कला भी होती है उसमें मूर्ति कला भी होती है स्थापत्य कला भी होती है इसका भी अध्ययन हम लोग करेंगे तो एक विस्तृत अध्ययन मौर्य साम्राज्य का आज हम लोग करने वाले हैं तैयार हो जाइए एक बार क्लास को आप लोग शेयर कर लीजिए लाइक कर लीजिए शुरुआत करेंगे और पहला पहलू आज होगा मौर्य साम्राज्य के इतिहास जानने का स्रोत तो मौर्य साम्राज्य के इतिहास यानी हिस्ट्री हम लोग कैसे जानेंगे ये बहुत महत्वपूर्ण है प्रारंभिक परीक्षा के लिए और चूंकि ये कल्चरल इतिहास है तो कला एवं संस्कृति का इतिहास है तो मुख्य परीक्षा में भी आ सकता है ध्यान रखियो बाबू लोग तो क्लास को एक बार आप लोग शेयर कर लीजिए पहुंचते हैं हम लोग मौर्य साम्राज्य के इतिहास जानने के स्रोत के पास आखिर क्या क्या हमारे साधन हैं हमारे पास जिनके माध्यम से हम लोग मौर्य साम्राज्य का इतिहास जान सकते हैं क्या क्या साधन हैं हमारे पास जिनके माध्यम से हम लोग मौर्य साम्राज्य का इतिहास जान सकते हैं तो यही जानने का स्रोत तो अगर हम लोग गहराई से इतिहास का अध्ययन करें या देखें तो हमें मौर्य साम्राज्य का इतिहास जानने के दो स्रोत निकल के आते हैं पहला जो स्रोत है वो है साहित्यिक स्रोत और जो दूसरा स्रोत है वो है अभिलेखीय स्रोत दो प्रकार के स्रोत हैं एक अभिलेखीय साक्ष्य है और दूसरा साहित्यिक साक्ष्य है साहित्यिक साक्ष्य में अगर हम लोग गहराई से देखें तो इसको भी दो भागों में बांटा जा सकता है एक धार्मिक साहित्य आएंगे धार्मिक साहित्य में जैसे बुद्धिज्म से संबंधित साहित्य है जैसे जैनिज्म से संबंधित साहित्य है और वो मौर्य साम्राज्य का इतिहास बताते हैं हिंदू धर्म से संबंधित साहित्य हैं जैसे वेद हैं जैसे पुराण हैं उनसे भी हमें मौर्यों के बारे में जानकारी मिलती है इसके अलावा धर्मनिरपेक्ष साहित्य धर्मनिरपेक्ष साहित्य वैसे साहित्य जो व्यक्ति राज्य से स्वतंत्र होके लिखता है उसे धर्मनिरपेक्ष साहित्य के नाम से जाना जाता है उसमें धर्म का विशेष रूप से वर्णन नहीं होता जैसे कौटिल्य का अर्थशास्त्र जैसे मेगस्थनीज की इंडिका और अभिलेख में अभिलेख में अगर आप लोग देखेंगे तो तीन प्रकार के अभिलेखों के माध्यम से मौर्य साम्राज्य की जानकारी हमें मिलती है एक जो अभिलेख का प्रकार है वो शिला लेख है शिला का मतलब होता है शिला यानी पत्थर लेख का मतलब होता है लेख यानी कोई शिला है कोई पत्थर है उस पर किसी शासक ने कोई लेख लिखवाया है लेख के माध्यम से कोई राजाज्ञा जारी की है कोई घोषणा की है उससे भी हमें मौर्य साम्राज्य के इतिहास का पता चलता है और दूसरी बात आपको ये बताऊं अशोक संपूर्ण भारत का पहला ऐसा शासक है जो अभिलेखों के माध्यम से जनता को संबोधित करता है जैसे अब से अभिषेक नहीं अशोक अशोक लुम्बिनी बन की यात्रा करता है जो नेपाल की तराई में स्थित है जहां पे महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ बुद्ध से प्रभावित होके ही अशोक ने लुम्बिनी बन की यात्रा की वहां पे लुम्बिनी बन में अशोक ने एक पिलर लगवाया एक स्तंभ लगवाया और वहां पे अपनी बातों को लिखवाया जो जनता आती थी वो देखती थी कि अब अशोक भाई इस अस्तंभ लेख में कैसे संबोधित करता है जनता को तो अशोक पहला शासक है जो अभिलेखों के माध्यम से जनता से संवाद करता है जनता को संबोधित करता है दूसरा स्तंभ लेख स्तंभ लेख का मतलब इस तरीके से पिलर जिसको बोला जाता है पिलर इस पर अगर कोई बातें आपको जैसे सारनाथ का स्तंभ लेख इस पर अगर कोई बातें लिखी हुई हैं तो यह भी एक सोर्स के रूप में आएगा दूसरा गुहा गुहा का मतलब क्या होता है गुहा का मतलब गुहा होता है और लेख का मतलब लेख होता है यानी गुहाओं पर जो लेख लिखवाया गया उसके माध्यम से भी हमें जानकारी मिलती है तो गुहा लेख को हम लोग अंग्रेजी में केब एडिक्स के नाम से जानते हैं और गुहा का मतलब होता है गुफा पत्थरों को काट कर गई गुफाओं का निर्माण करवाया था अशोक ने बौद्ध संतों के रहने के लिए तो उन गुहाओं पे भी उन गुफाओं में भी अंदर में कुछ लेख लिखवाए इसी को गुहा लेख या केब एडिक्ट के नाम से जाना जाता है इसको पिलर एडिक्स के नाम से जाना जाता है और इसको इसको आ, इसको आप लोग देखेंगे तो ये सिला शिला लेख लेख मतलब रा इंस्क्रिप्शन भी इसे कहा जाता है तो अशोक के हिस्ट्री को जानने का दो साधन है एक लिटरेचर यानी साहित्य और दूसरा एडिक्ट या इंस्क्रिप्शन यानी अभिलेख अब इसमें से भी कई आपको सोर्स आगे मिल रहे हैं इनको देखिए फिर इनको तोड़ता हूं मैं बस आप लोग ध्यान से समझिएगा बस अब फिर साहित्य की तरफ आइए और साहित्य में आप देखेंगे लिटरेचर में आप देखेंगे तो हमने बताया कि दो प्रकार के साहित्य हैं एक स्वदेशी साहित्य और एक विदेशी साहित्य स्वदेशी साहित्य मतलब हमारे देश में जिन साहित्यों का निर्माण हुआ उससे हम मौर्य साम्राज्य का इतिहास जानते हैं और कुछ विदेशी यात्री भी भारत आए भारत में आए और भारत का भ्रमण किया और उन्होंने भी कुछ अपने साहित्य लिखे तो उसके माध्यम से भी हमें जानकारी मिलती है मौर्य साम्राज्य के बारे में और कुछ नहीं आए तो विदेश में रहके ही उन्होंने मौर्य साम्राज्य के बारे में लिखा आज भी ऐसा होता है उस समय भी ऐसा होता था तो इसमें स्वदेशी साहित्य में एक धार्मिक साहित्य आएगा एक धर्मनिरपेक्ष साहित्य आएगा तो धार्मिक साहित्य में जैसा कि हमने थोड़ी देर पहले आपको बताया कि धार्मिक साहित्य में बुद्धिज्म से संबंधित ग्रंथ आएंगे जैनिज्म से संबंधित ग्रंथ आएंगे पुराण आएंगे जैसे मत्स्य पुराण है जैसे विष्णु पुराण है कुछ अन्य पुराण हैं जिनके माध्यम से जानकारी मिलती है जैन ग्रंथों के माध्यम से जैसे कल्प सूत्र है वो जानकारी देता है उद्धिजम है जैसे दीघ निकाय है जैसे मध्यम निकाय है सुत्त पिटक है दीप वंश है महावंश है इसके माध्यम से हमें मौर्य साम्राज्य के इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है और इसके अलावा निरपेक्ष साहित्य हैं तो निरपेक्ष साहित्य में कैसे कैसे साहित्य आएंगे तो धर्म निरपेक्ष साहित्य में ये देखो अर्थशास्त्र आएगा इसको कौटिल्या ने लिखा इसको चंद्रगुप्ता मौर्या के प्रधानमंत्री कौटिल्या ने लिखा कौटिल्य नीति एक पतली सी पुस्तक आती है कभी अगर मिल जाए कहीं दुकान पे तो उसको खरीद लीजिएगा जिंदगी में बड़ा काम करेगी वो दस बीस रुपए की आती है ऑनलाइन भी मंगा सकते हैं बड़ी जानकारी मिलती है अपने घर के बारे में परिवार के बारे में दोस्तों के बारे में अपने आसपास के जीवन के बारे में या जिंदगी में निर्णय कैसे लें कुछ बातें उसमें बड़ी अच्छी बताई एक आध दो बातें थोड़ा सा एकांगी हैं लेकिन पंचानबे प्रतिशत अगर उसको फॉलो करेंगे तो जिंदगी में हमेशा आगे ही बढ़ते जाएंगे तो ये जो अर्थशास्त्र है इसको किसने लिखा इसको कौटिल्या ने लिखा कौटिल्या का दूसरा नाम चाणक्य और इसी को भारत में मैकिया वैली के नाम से जाना जाता है मैकिया वैली पश्चिमी सभ्यता का बहुत बड़ा राजनीति का जानकार था तो जो काम मैकिया वैली ने पश्चिमी सभ्यता या पश्चिमी देशों के परिप्रक्ष में किया वही काम इस चाणक्य ने भारत के परिपेक्ष में किया इसीलिए इसको भारत का मैकिया वैली कहा जाता है तो पूछ सकता है आपसे भारत का मैकिया वैली किसे कहा जाता है तो किसे कहा जाता है चाणक्य को कहा जाता है मुद्रा राक्षस एक ग्रंथ है।, है ये जो मुद्रा राक्षस नामक ग्रंथ है ये विशाख दत्त नामक एक बहुत बड़े नाटककार का ग्रंथ है वैसे इसका हम लोग विशद अध्ययन अभी करेंगे इसमें भी मौर्य वंश के बारे में जानकारी मिलती है बृहद कथा मंजरी और कथा सरिस सागर बृहद कथा मंजरी क्षेमेंद्र की है। और कथा सरिस सागर सोमदेव का कथा सरिस सागर इसके माध्यम से भी हमें मौर्य काल के बारे में जानकारी मिलती है तो ये धार्मिक और धर्मनिरपेक्ष साहित्य हुए और ये विदेशी साहित्य है विदेशी साहित्य में यही सबसे महत्वपूर्ण है जितनी जानकारी इस अर्थशास्त्र से मिलती है लगभग लगभग उतनी जानकारी इस इंडिका से भी मिलती है और इसको लिखा किसने मेगास्थनीज ने लिखा ये मेगास्थनीज कौन है ये सेल्यूकस का अम्बेसडर है जो चंद्रगुप्त मुख्या मौर्य के दरबार में भारत आ रहा है इसके अलावा अब तो एक एक साहित्य को अब हम लोग देखेंगे सबसे पहले हम लोग कौटिल्य के अर्थशास्त्र के पास पहुंच रहे हैं तो कौटिल्य के अर्थशास्त्र में वास्तव में किस बात का विवरण मिलता है कौटिल्य के अर्थशास्त्र में हमें किस बात का विवरण मिलता है सबसे पहले इस बात का हम लोग अध्ययन करेंगे जानते हैं हम लोग कौटिल्य के अर्थशास्त्र के बारे में ठीक हम लोग कौटिल्य के अर्थशास्त्र के बारे में जानते हैं क्या है अर्थशास्त्र अर्थशास्त्र में किन किन विषयों की जानकारी मिलती है आप लोग लाइक कर लीजिए एक बार क्लास को शेयर भी कर लीजिए भाई आप लोग अपने ग्रुप्स वगैरह में संडे है भागीदारी जनसंख्या लाइविंग आप लोगों के हाथ में ही है आप लोग ही बढ़ा सकते हैं इससे हमारा भी कॉन्फिडेंस बढ़ेगा हाँ तो कम से कम पाँच कीजिए इसको आप लोग बढ़ा के पढ़ते हैं अर्थशास्त्र को अर्थशास्त्र को पढ़ते हैं हम लोग अभिषेक नमस्ते भैया नमस्ते बाबू नेहा शर्मा सभी को नमस्ते सभी का स्वागत है क्लास में न यदुवंशी हम्म चलिए जानते हैं सबसे पहले अरसास के लेखक कौटिल्या के बारे में जानते हैं तो जो कौटिल्या है इसका जन्म कहां होता है इसका जन्म तक्षशिला में होता है और ये जो तक्षशिला है इसके बारे में अगर आप लोग देखें तो जो तक्षशिला है ये भारत के पश्चिमी पश्चिमोत्तर क्षेत्र में स्थित है यहां पे और ये एक कैपिटल के रूप में है ये एक राजधानी के रूप में है यहां एक महाजनपद की राजधानी हुआ करती थी और उस महाजनपद का नाम क्या है बताइए जरा पढ़ाया हूं आप लोगों को किस महाजनपद की राजधानी थी ये बताइए जल्दी से बताइए देख रहा हूं आप सभी लोगों को किस महाजनपद की राजधानी थी अंग अवंती अस्मक काशी कोसल कुरु पंचाल कंबोज सूरसेन गंधार किस महाजनपद की राजधानी थी मगध मत्स्य किस महाजनपद की राजधानी थी तक्षशिला बताइए जल्दी से बताइए कौन बताया सबसे पहले हम्म किसकी कैपिटल थी भाई गंधार की कैपिटल है। गंधार की ये कैपिटल है तो आप सोचिए कि इसका राजनीतिक आर्थिक सांस्कृतिक उत्कर्ष तो महाजनपद युग में ही हो गया होगा और यहीं पर शिक्षा का सबसे प्राचीन भारतीय केंद्र था सबसे पहला शिक्षा का केंद्र है सबसे प्राचीन केंद्र है तख्तशिला विश्वविद्यालय यहीं का प्रोफेसर है चाणक्य और तर्कशास्त्र का प्रकांड पंडित है ये जाति से ब्राह्मण है कर्म से भी ब्राह्मण है इसके पिता का नाम चनक है इसकी माता का नाम यशोमही है चाणक्या की माता का नाम यशो मही है इसके पिता का नाम चनक है और इसके पिता का नाम चनक होने के कारण ही इसका नाम चाणक्य पड़ा था इसी कारण ये चाणक्य कहलाया इसके कई नाम हैं विष्णुगुप्त और विष्णुगुप्त का मतलब होता है नीतियों का बहुत बड़ा पुरोधा नीतियों का बहुत बड़ा ज्ञानी नीति विशेषज्ञ विष्णु के समान इसे दुजरसब भी कहा जाता है और दुजरसब का मतलब होता है श्रेष्ठ तो श्रेष्ठ तो था ही इंटेलेक्चुअल तो था ही तो ये कैसा ब्राह्मण था दुजरसब ब्राह्मण था पहली बार इस शब्द का उल्लेख आप लोग सुन रहे होंगे और कहीं पूछ कि दुजरसब का मतलब क्या होता है आपका यह श्रेष्ठ होता है योग्य होता है कुलीन होता है ग्रेट होता है इन सभी शब्दों की एक ही इंग्लिश है ग्रेट शब्द कई हैं अंग्रेजी में एक ही ग्रेट बस और कुछ नहीं मिलेगा आपको इसे भारत का मैकिया बेली भी कहा जाता है चाणक्या को भारत का मैकिया बेली भी कहा जाता है अब ये जो अर्थशास्त्र नामक ग्रंथ है इसमें पंद्रह अधिकरण है पंद्रह अधिकरण का मतलब पंद्रह भाग हैं यानी पंद्रह खंड हैं यानी पंद्रह अध्याय हैं यानी पंद्रह टॉपिक हैं अंग्रेजी में एक ही शब्द मिलेगा अर्थशास्त्र में कुल फिफ्टीन टॉपिक हैं इसको खोजा किसने इसको एक अर्थ इसको एक विद्वान थे जिनका नाम था आचार्य शाम शास्त्री इन्होंने ही पहली बार इसको खोजा तो पहली बार इसको खोजा तो यह कई भागों में बखरा हुआ था संकलित किया इकट्ठा किया आचार्य साम शास्त्री साहब ने इसके अर्थशास्त्र के 180 प्रकरण हैं प्रकरण का मतलब उपकरण उपकरण का मतलब अधिभाग अधिभाग का मतलब छोटे छोटे जो टॉपिक उनकी बात की जा रही है इसकी भाषा क्या है अर्थशास्त्र को इसने किस भाषा में लिखा था तो इस समय की आम तो भाषा नहीं है संस्कृत लेकिन सबसे उपयोगी भाषा है संस्कृत तो इसको संस्कृत भाषा में लिखा था ध्यान रखिएगा कौटिल्या ने हिंदी भाषा में नहीं लिखा इसमें टोटल कितने श्लोक हैं कोई बता दे तो मैं जानू उसको इसमें कुल कितने श्लोक हैं क्या इसमें 600 सौ इस श्लोक हैं क्या इसमें 60 श्लोक हैं क्या इसमें छह हजार श्लोक है कितने श्लोक हैं? चलिए विकल्प है आपके सामने बताइए कितने श्लोक इस हैं इसमें लोग ये जो कौटिल्य का अर्थशास्त्र है इसमें कितने श्लोक इस हैं? बताइए जल्दी से जो टाइप हुआ है उस पर मत जाइएगा अगर वो सही होता तो पूछता ही क्यों मैं? अगर वो सही होता तो फिर पूछता ही क्यों मैं बालक फिर तो मैं देख ही रहा हूं कि देख रहे हो आप लोग त्रिनेत्रधारी हो तीन तीन आंखें हैं आप लोगों के पास हैं क्या ऐसा है हुँ? कितने श्लोक हैं तो जो लिखा है उस पर मत जाइए जो पता हो उसको बताइए कितने श्लोक हैं जल्दी से बताइए सबसे पहले सुरुचि ने बताया जो लिखा है वही बताया और जो लिखा है वो गलत लिखा है तो सही क्या होगा ऋतुराज साठ मतलब अभी आप लोगों ने जम के पढ़ाई नहीं की है लग गया मुझे रितिका छह सौ साहिल खान उत्तर भी बताना है बेटा साहिल खान अच्छा छह करोड़ भी कुछ लोग बता रहे हैं मान गए आप लोगों को तो कितने श्लोक हैं भाई तो इसमें छह हजार श्लोक हैं ध्यान में रखिएगा एक जीरो और बढ़ा लीजिएगा छे हजार श्लोक इस हैं इसमें छह सौ नहीं है मुझे लगा आप लोगों ने पढ़ा होगा कहीं ना कहीं वो पढ़ते हैं ना आप लोग देखता रहता हूं मैं मुझे पता है कहाँ कहां कैसे कैसे आप लोग पढ़ते हैं इसी क्लास में जो शामिल हैं, एक एक लोगों के बारे में बता सकता हूं कि आज आप लोगों ने अनएकेडमी नहीं किस किस चैनल को देखा है कहो तो एक एक नाम लेके बता दो इतना मुझे पता रहता है अंतर्यामी हूं ना हमारे पास है तीसरा नेत्र आप लोगों के पास तो है ही नहीं आप देख ही नहीं पाए क्यों ऐसा नहीं कि सभी लोगों ने पढ़ा कुछ लोगों ने पढ़ा है मुझे पता है और जिन लोगों ने पढ़ा होगा उनको पता चल गया होगा क्यों किरण क्यों किरण यदुवंशी पता है ना बताइए पढ़ा है तो कोई गलत नहीं किया बहुत अच्छी बात है पढ़ाई तो करना ही है भाई पढ़ा है तो कोई गलत थोड़ो नहीं किया पढ़ाई तो करना ही सही है ठीक आइए आगे बढ़ते हैं इसको आचार्य श्याम शास्त्री ने मैसूर संग्रहालय से 1905 में खोजा था संकलन किया इकट्ठा किया एक एक पन्ने को टूटी फूटी अवस्था में पाया खोजा ताम पत्तों पर लिखा हुआ था जोड़ा उसके आगे पीछे के शब्दों को बड़ा संघर्ष किया और फिर इकट्ठा करके इन्होंने 1909 में इसका पहली बार प्रकाशन किया 1915 में यह जो अर्थशास्त्र संस्कृत भाषा में है इसका पहली बार अंग्रेजी में अनुवाद किया गया इसी अर्थशास्त्र में कई प्रकार की बातों का वर्णन मिलता है जैसे इसी में हमें पता चलता है कि मौर्य साम्राज्य का राजस्व प्रशासन क्या था मौर्यों का नागरिक प्रशासन क्या था मौर्यों का दीवानी न्यायालय कैसा था फौजदारी न्यायालय कैसा था गुप्तचर व्यवस्था कैसे थी दास व्यवस्था कैसे थी के लिए क्या किया मौर्यों ने राजा के क्या सप्तांग सिद्धांत होते थे इन सभी बातों का वर्णन मिलता है सूद्रों के बारे में कौटिल्य ने सर्वप्रथम क्या कहा एक बहुत बड़ी बात कही सूद्रों के बारे में कौटिल्य ने स्वयं ब्राह्मण और इसने स्वयं तो आर्य है ही स्वयं तो श्रेष्ठ है ही स्वयं तो ग्रेट है ही है लेकिन सूद्रो को देखो कितनी बड़ी बात बोल रहा है कह तो रहा है शूद्र तो आर्य हैं, कई बार ऐसा लगता है शूद्र वर्ग के लोगों को कि ब्राह्मण हमेशा उनकी आलोचना कर सकते हैं तो एक एक मैं आपको तर्क बता रहा हूं एक आपको सबूत बता रहा हूं कि जो प्रकांड पंडित था जो पहला पंडित था भारत का वो शूद्रों को श्रेष्ठ कह रहा है और गांधी जी ने हरिजन कहा शूद्रों को ये अलग बात है कि शूद्र अभी भी मुख्य धारा में शामिल नहीं हो पाए लेकिन इसमें ब्राह्मण भी तो हैं। हमने देखा कि ऐसे ब्राह्मण भी समाज में हैं। जमीनी हालत आपको बता रहा हूं कि जिनके घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं ऐसी स्थिति तो कई बार आरक्षण पे आप लोग देखते होंगे कि बहस छिड़ती है और इस समय कई बार ये कहा जाता है कि जातिगत आरक्षण को हटा के अब गरीबी को आरक्षण का आधार बनाना चाहिए बेस बनाना चाहिए मुझे लगता है ये बात सही है हो सकता है भविष्य में कोई सरकार ऐसा निर्णय ले, लेकिन चूंकि चुनाव और वोट की राजनीति होती है तो बड़ा मुश्किल हो पाता है ऐसे ऐसे टर्निंग पॉइंट वाले निर्णय ले पाना बहुत मुश्किल हो जाता है वो किसी के बारे में इस तरीके से निर्णय लेना आजकल के समाज में बहुत मुश्किल इसलिए सरकारें ऐसा निर्णय जल्दी में लेने से बचती क्या करें सरकारों के सामने तो भी तो भी समस्या है तो सूद्रों को इसने आर्य कहा यानी श्रेष्ठ कहा और क्या कहा और, और यही नहीं रुका कहा कि आप सेना में भी भर्ती हो सकते हैं ये प्रश्न भी पूछा है कि वो कौन सा प्रकांड पंडित है जो सूद्रों के बारे में कहता है कि आप सेना में भर्ती हो जाइए यानी सेना में भर्ती होने की छूट प्रदान कर देता है उसमें कौटिल्य भी उत्तर में आएगा मनु महाराज भी उत्तर में आएंगे यज्ञ वलक के भी आएंगे विशाखदत्त आएंगे और सही क्या होगा कौटिल्य सेना में भर्ती करने की छूट देखिए साफ-साफ लिखा हूं मैं सेना में भर्ती होने की शूद्रों से कहता है कि आप सेना में भर्ती हो सकते हैं बहुत बड़ी बात है यह ये क्या है ये है एक बहुत बड़ी बात है आगे देखिए थोड़ा सा अब हमने आपको बताया कि इसी कौटिल्य के अर्थशास्त्र में राजा के सप्तांग सिद्धांत का वर्णन मिलता है आपसे प्रश्न पूछेगा कि वो कौन सी पुस्तक है जिसमें राजा के सप्तांग सिद्धांत का वर्णन मिलता है अर्थशास्त्र है या कोई और पुस्तक है तो अर्थशास्त्र ही है इसमें राजा के राज्य के सात अंग बताए गए हैं सप्तांग सिद्धांत में और सात अंगों में क्या है तूब अमीरा कोस इसका एक कोड है इसके माध्यम से तैयार कर सकते हैं तो यहां पे जो पहला अंग है वो है स्वामी स्वामी का मतलब होता है राजा अगर राज्य है तो स्वामी यानी राजा होना जरूरी है वह उसका क्या होता है कौटिल्य के अनुसार वह उसका मुखिया होता है बिना राजा के राज्य नहीं चल सकता कहता है कौटिल्य कि जो राज्य है जो राज्य का रथ है उसको चलाता कौन है राजा चलाता है स्वामी चलाता है और ये स्वामी की तुलना कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र में सर से की है इससे की है सर से की है दिमाग है इसके अलावा अमात या मंत्री जो राज्य का दूसरा अंग है वो है अमात या मंत्री या प्रधानमंत्री आज भी तो हैं शासक भी है स्वामी भी है प्रधानमंत्री भी हैं और प्रधानमंत्री के मंत्री भी हैं तो जो मौर्यों का प्रशासन है वो वर्तमान में चलता हुआ दिखाई पड़ रहा है देखिए आप आप फील कीजिए यही है यूपीएससी के छात्रों का गुण सारी चीजें आपको पढ़ाई में ही नहीं बताई जाएंगी कोई नहीं बता सकता मैं भी नहीं बता सकता और ना सीधे सीधे सौ प्रश्न किसी का पढ़ाई में आता है नोट कर लीजिए आज इस धरती पर खोज डालोगे कहीं नहीं मिलेगा कोई यूपीएससी सौ प्रश्न बनाता है और सौ प्रश्न में पेपर जो मार्केट में आ जाता है भारत के लोगों के पास तो एक महीने खोजते हैं तब भी चार पांच प्रश्न का उत्तर नहीं मिल पाता यूपीएससी है वो महामहिम जिसे बोलते हैं लेकिन उसकी हमें जरूरत भी नहीं है हम तो कहते हैं उसकी हमें जरूरत भी क्या है कि हम सौ प्रश्न का उत्तर एक एक करके खोज ले अरे भाई लोग खोज लेंगे तो आप जान लीजिएगा कलांक आदमी का काम यह होना चाहिए ऐसा नहीं कि खोजने में दस दिन लगाए रखिए और उत्तर नहीं मिल रहा तो खोजते रहिए उसको अरे खोज लीजिए जो आपके पास किताबें हैं कलांकी तो यह है कि अब आप पढ़ने में बैठ जाइए और तब तक लोग जो उत्तर खोजे रहेंगे मार्केट में आ जाएगा तो जान लीजिएगा छोड़िएगा मत जान लीजिएगा और प्रश्न सही कितना है साठ तो करना है आज आज तक तक कभी प्रश्न प्रश्न नहीं गई 2011 के बाद में यूपीएससी की मेरिट नहीं गई है सोच लीजिए अड़तालीस इक्यावन बावन तिरपन चौवन पचपन छप्पन इससे ज्यादा मेरिट नहीं गई हो सकता है एक आध दो प्रश्न और बढ़ जाए तो साठ अगर सही होता है तो सुरक्षित खेमे में आप हैं कि पी टी आप आए प्रारंभिक परीक्षा का एग्जाम देके आए तीसरे दिन से पनीर वनीर खाने के बाद में फिल्म उलम देखने के बाद में तैयारी शुरू ये नहीं कि पीटी के रिजल्ट का हमें इंतजार करना है क्यों इंतजार करेंगे भाई हमारा पक्का है हो जाएगा हमारा अब हमारी तैयारी शुरू हो गई तो हम उन लोगों से आगे हो गए जो लोग पीटी के रिजल्ट का वेट कर रहे हैं और उसके बाद में तैयारी शुरू करेंगे उनसे एक महीना ऑलरेडी आगे हो जाएंगे उनसे क्या होगा एक एक महीना ऑलरेडी आगे हो जाएंगे बस दस सेकंड आपका लूंगा दस सेकंड थोड़ा सा वेट कीजिएगा ठीक तो ये हो गया आपका अमात्य और अमात्य क्या है अमात्य सप्तांग सिद्धांत की आंखें हैं इसके बाद में जनपद 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 ये जंघाएं हैं इसके बाद में दुर्ग होता है फोर्ट होता है या किला भी होता है आज भी हैं आज भी छावनियों के रूप में हैं। जैसे अम्बाला है जैसे अंबाला छावनी है जैसे मेरठ छावनी है जैसे दिल्ली कैंट है जैसे आगरा कैंट है यहां पे हमारी क्या रहती है सेनाएं रहती हैं इसके अलावा आप लोग देखेंगे तो ये कोष है बिना कोष के तो राज्य चल ही नहीं सकता ये मुख के समान है कोष का मतलब धन है इसके अलावा आप लोग देखेंगे तो जो अगला तत्व है वो है सेना या सैनिक ये मस्तिष्क है उसके बाद में मित्र या दोस्त ये कान के समान है बिना मित्र मित्र के भी जीवन गाथा नहीं चल सकती लेकिन मित्र हो तो डिवोटेड हो ईमानदार हो और अगर नहीं है तो फिर वही गांधी जी वाली बात एक चलो रे कम से कम कोई कंट्रोवर्सी तो नहीं होगी जब मित्र केवल कंट्रोवर्सी ही करता है कोई अच्छी जानकारी उससे नहीं मिलती वो आपको विवाद के घेरे में ही ला देता है तो फिर मित्र की क्या जरूरत है मित्र का तो मतलब है पथ प्रदर्शक ईमानदार वो आपको आगे बढ़ाए वो नई नई सूचनाएं आपको दे लेकिन ऐसा नहीं है तो हटाइए फिर तो अकेले ही शांत रहेंगे और कम से कम सोचेंगे और आगे बढ़ेंगे आप इसके बाद में आगे बढ़ते हैं हम लोग ये जो कौटिल्य का अर्थशास्त्र है इसके अनुसार भू राजस्व व्यवस्था क्या है जहाज रानी क्या है और गुप्तचर व्यवस्था क्या है तो जहाज रानी का मतलब जानते हैं आप लोग जहाज रानी का मतलब होता है समुद्री व्यापार तो भू राजस्व की स्थिति क्या है अर्थशास्त्र के अनुसार पढ़ा रहा हूं बस ध्यान रखिएगा इस बात का जहाज रानी की स्थिति क्या है चूंकि विदेशी व्यापार, व्यापार समुद्र के रास्ते से ही किया जाएगा स्थल के रास्ते से भी किया जाएगा और गुप्तचर व्यवस्था क्या है तो अर्थशास्त्र कहता है कि इस समय जो भू राजस्व की दर है वो कितनी है वो एक बटा छा है अर्थशास्त्र कहती है और आपको एक कॉन्सेप्ट बता रहा हूं पूरे प्राचीन भारत में जो भू राजस्व की दर है वो एक बटा छा ही है पूरे प्राचीन भारत में जो भू राजस्व की दर है वो एक बटा छा ही है अगर एक आद को छोड़ा जाए तो जहाज रानी का व्यापक उल्लेख पहली बार आपको अर्थशास्त्र में ही मिलता है समुद्र के जरिए व्यापार का उल्लेख पहली बार व्यापक रूप से आपको अर्थशास्त्र नामक पुस्तक में ही मिलता है में कहा गया है कि जहाज रानी पर किसका नियंत्रण होना चाहिए राज्य का तभी तो रेवेन्यू मिलेगा अर्थशास्त्र कहता है यानी अर्थशास्त्र का लेखक चाणक्य या विष्णुगुप्त तो कहता है कि जो जहाज रानी है जो विदेशी व्यापार है जो समुद्री व्यापार है उस पर किसकी पकड़ होनी चाहिए वह किसके नियंत्रण में होना चाहिए राज्य के नियंत्रण में होना चाहिए यह बात पूछेगा आपसे कथन कारण में ध्यान रखना आप सभी लोग इसके अलावा अर्थशास्त्र में गुप्तचर व्यवस्था का व्यापक रूप से उल्लेख मिलता है और एक बात और गुप्तचर व्यवस्था का व्यापक पैमाने पे उल्लेख करने वाला अर्थशास्त्र भारत का पहला ग्रंथ है इसके पूर्व गुप्तचरी प्रथा का व्यापक रूप से उल्लेख नहीं मिलता अर्थशास्त्र में हमें बाकायदा एक गुप्तचर विभाग का वर्णन मिलता है जिसको वर्तमान में रा बोलेंगे सीबीआई बोलेंगे एनआईए बोलेंगे तो इसमें गुप्तचर विभाग का व्यापक रूप से वर्णन मिलता है और इस गुप्तचर विभाग का नाम क्या है महामात्या सर्प इस गुप्तचर विभाग का नाम अर्थशास्त्र में गुप्तचर विभाग को किसके नाम से जाना जाता है महामात्या सर्प के नाम से जाना जाता है तो ये तो हो गया गुप्तचर विभाग और गुप्तचर को किस नाम से जाना जाएगा और गुप्तचर को किसके नाम से जाना गया है गुप्तचर को गूढ़ पुरुष के नाम से जाना जाएगा तो अगर आपसे पूछे कि अर्थशास्त्र में गूढ़ पुरुष क्या है तो आप कहिए बड़े आराम से गुप्तचर है क्या दिक्कत है भाई गुप्तचर है गुड पुरुष क्या है गुड पुरुष गुप्तचर है क्यों धर्मवीर भारती हम्म मनु बादी है बड़ी अच्छी बात है आईएस बन जाइए ये और अच्छी बात होगी क्यों या नहीं होगी आगे बढ़ते हैं गूढ़ पुरुष आपने जाना कि गूढ़ पुरुष किसे कहा गया अब दूसरा ग्रंथ आपके सामने है इस ग्रंथ का नाम है मुद्रा राक्षस ये किसकी कृति है ये विशाख दत्त एक बहुत बड़े नाटककार हैं ये इनकी कृति विशाख दत्त ने एक ग्रंथ लिखा था जिसका नाम है मुद्रा राक्षस और इस मुद्रा राक्षस के माध्यम से हम लोग मौर्य वंश के बारे में जानकारी पाते हैं क्या जानकारी मिलती है आइए देखते हैं इसमें कहा गया कि चंद्रगुप्त के लिए एक शब्द का प्रयोग किया गया है और यह शब्द है ब्रसल जो यूपीएससी में पूछा है कि ब्रसल का मतलब क्या होता है एक बार यही पूछा है ध्यान से समझते रहिएगा पूरा क्लास यूट्यूब पे चलेगा नहीं चल रहा है मिस्टर मिस्टर क्या नाम है आपका मिस्टर ब्रिजेश चलेगा नहीं पूरी क्लास यूट्यूब पे चल रही है निरंतर चलने की क्या बात है चल रही है आपके सामने आज से नहीं आठ दस महीने से हमारी क्लास चल रही है और निरंतर चलती रहेगी निरंतर ये क्लास चलती रहेगी हाँ अनएकेडमी में किसी को सब्सक्रिप्शन लेना है किसी को एडमिशन लेना है तो इस समय भारी भरकम फीस में कटौती हो रही है छूट हो रही है 35 प्रतिशत की छूट मिल रही है और यह ऑफर है 23 जून तक कल परसों यानी मंडे ट्यूसडे, बेडनेस डे तक है आज भी शामिल है और इसमें अगर किसी को लोन के माध्यम से सब्सक्रिप्शन लेना है जिसके पास वर्तमान में पैसा ना हो वो लोन के माध्यम से भी सब्सक्रिप्शन ले सकता है और एक भी रुपया उसका लोन के प्रोसेसिंग में नहीं लगेगा अगर लोन में कोई कठिनाई होती है तो लोन में दिला दूंगा आपको संस्थान के माध्यम से आप लोगों को अगर किसी को भी यहां पे सब्सक्रिप्शन लेना है तो तुरंत आप लोग कॉन्टेक्ट कीजिए ये किसी मैनेजर से आप बात नहीं करेंगे सीधे हमारे से बात होगी यहां पर ये नंबर भी आपको दे दे रहा हूं व्हाट्सएप भी यही है कॉलिंग भी यही है एक ही नंबर से मैं चलता हूं एक ही नंबर है दूसरा नंबर नहीं रखता मैं हालांकि आप लोगों के पास तो कई नंबर होंगे तो आप लोग बाहुबली प्रकृति के हैं और ये अच्छी बात भी है कि विकल्प के रूप में एक नंबर तो रखना चाहिए हमने भी इस समस्या को झेला है एक बार जम्मू कश्मीर गए तो वहां पे कोई नंबर चलता ही नहीं था वहां पे तो बी एस एन एल बी एस एन एल है उसी का टावर आता था तो एक दो दिन कांटेक्ट में ही नहीं थे तो कुछ लोग परेशान हो गए कि कहाँ चला गया तो कई बार ऐसी विषम स्थिति के लिए दो नंबर रखना चाहिए वहां से हमने सीखा लेकिन फिर भी अभी सुधार नहीं कर पाए तो अगर किसी को लोन के माध्यम से या कहीं भी किसी भी सब्सक्रिप्स को लेना है किसी भी कंपिटेटिव एग्जाम में ये नहीं आई एस में अपने मित्र को अपने अगल बगल के लोगों को अपने दोस्तों को किसी को भी रिश्तेदारों को किसी को भी यहाँ पे सब्सक्रिप्स लेना है तो कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं है जो अन एकेडमी में पढ़ाया ना जाता हो चाहे वो आईआईटी का हो पीएमटी का हो एसएससी का हो बैंक का हो यूजीसी का हो नेट का हो रेलवे का हो स्टेट कमीशन का हो सब कुछ यहाँ पे पढ़ाया जाता है और इसमें सभी लोगों को हमारा रेफरल कोड यूज करना है एस एन जे डबल ई बी यही हमारा रेफरल कोड है इसी को यूज करेंगे फीस में आपको अपने आप दस प्रतिशत की कमी मिल जाएगी तो अगर किसी को लोन लेना है या सब्सक्रिप्शन लेना है कोई प्रॉब्लम हो रही है देन कांटेक्ट कर लीजिएगा मैं साढ़े छह से सात बजे के बीच में खाली रहूंगा आज और जल्दी से सब्सक्रिप्शन ले लीजिए ये पढ़ाई करने का एक बेहतर समय यहां से, से सेशन स्टार्ट होता है पढ़ाई करने का समझिए इस बात को यूपीएससी में दो ही सेशन होते हैं एक जून और दूसरा दिसंबर तो सारी बातें मैं बता दूंगा सारा गाइडेंस आपको हमारे द्वारा मिलेगा क्या पढ़ेंगे क्या छोड़ना है ये भी बताया जाएगा आंसर राइटिंग कैसे करें ये भी बताया जाएगा किसी को भी अगर दिक्कत होती है लोन लेने में समस्या होती है तो आप लोग संपर्क कर लीजिएगा तो ब्रसल की बात करते हैं और ब्रसल का मतलब क्या होता है ब्रसल का मतलब विशाख दत्त ने क्या बताया तो ब्रसल का मतलब विशाख दत्त ने शूद्र बताया यानी ये पहले साहित्यकार हैं इतिहासकार हैं विशाख दत्त साहब जिन्होंने मुद्रा राक्षस नामक ग्रंथ को लिखा और मुद्रा राक्षस में अब आपसे प्रश्न कैसे पूछेगा वह कौन सा ग्रंथ है जिसमें मौर्य शासकों के लिए ब्रसल शब्द का उल्लेख मिलता है तो यही है मुद्रा राक्षस और वह कौन ग्रंथ है जो मौर्य शासकों को ब्रसल यानी शूद्र कहता है अभी अभी जैसे जैनी आएंगे और बुद्धिज्म से संबंधित ग्रंथ आएंगे तो वो कहेंगे चंद्रगुप्त मौर्य क्या था सिंह था सिंह मतलब ठाकुर यानी क्षत्रिय था और वहीं पे मुद्रा राक्षस क्या कह रहा है मुद्रा राक्षस कह रहा है कि नहीं ये शूद्र था तो ध्यान रखिएगा ब्रसल का मतलब क्या होता है शूद्र होता है ये कई बार पूछा गया है और ये हमारी समझ में जल्दी से नहीं आता तो इसको ध्यान से समझ लीजिएगा इसमें चंद्रगुप्त को घनानंद देखिए एक बहुत बड़ी बात मैं आपको बता रहा हूं यहाँ पे यही जो मुद्रा राक्षस है मुद्रा राक्षस में जो चंद्रगुप्त के मौर्य वंश से पूर्व नंद वंश है उसका शासक है घनानंद तो घनानंद को पराजित करने और घनानंद के शासन और इसके वंश को समाप्त करने की योजना का व्यापक रूप से विवरण किसमें मिलता है इसी विशाख दत्त के मुद्रा राक्षस में मिलता है यह भी प्रश्न पूछ सकता है आपसे वह कौन सा ग्रंथ है जो यह जानकारी देता है कि मौर्य शासक चंद्रगुप्त ने घनानंद को पराजित करने के लिए योजनाएं बनाई थी प्लान किया था जिसे आप लोग प्लान करके तैयारी करते हैं तो मेरी तरफ से सब क्वेश्चन लेंगे तो पूरा कैलेंडर में बना देता हूं व्यक्ति का तो पूरे प्लान का वर्णन मिलता है पूरी योजना का वर्णन इसी में मिलता है ठीक एक और है ग्रंथ ढूंढी राज नाम की है एक ढूंढी राज है ये मुद्रा राक्षस के ऊपर ये क्या है ये कमेंट है कमेंट लिखा भा से लिखा लोगों ने मुद्रा राक्षस के ऊपर इसमें चंद्रगुप्त को घनानंद का पौत्र बताया गया है ये भी देख लीजिए घनानंद का पौत्र बताया गया है कमेंटर क्या होता है जैसे आप लोग देखिए मैं आपको बताता हूं आप लोगों ने एक ग्रंथ पढ़ा होगा प्राचीन भारत का पहला विधि ग्रंथ कौन सा है कोई बता सकता है विधि ग्रंथ प्राचीन भारत का या भारत का पहला प्राचीन विधि ग्रंथ कौन सा है कोई बता सकता है जिसमें विधि के बारे में हमें जानकारी मिलती है जो एक विधिवेत्ता लिखता है जो भारत का पहला विधिवेत्ता है उसका नाम क्या है कोई बता सकता है कोई है बताने वाला हम्म गुड वेरी गुड आशीष यादव सलाम है आपको आपने ही सबसे पहले बताया क्या कहा आशीष ने देखिए मनु स्मृति के बारे में बताया मैं चाहता था कि आप लोग बताएं फिर आपको याद रहेगा इसके लेखक कौन है मनु महाराज मनु महाराज हैं ये भारत के क्या हैं? ये भारत के पहले विधि वेत्ता हैं कोई सामान्य आदमी नहीं इनको सलाम कर सकते हैं दुआएं मिलेंगी और इनके द्वारा जो ग्रंथ लिखा गया इनका नाम है मनुस्मृति हालांकि कुछ विवाद भी हम लोग मनु स्मृति के बारे में लाते हैं तो ना समझ पाने के कारण विवाद की, की स्थिति में जाते हैं मैं मनुस्मृति को इसलिए यहां पर लाया हूं केवल हमें ये बताना है कि इसके ऊपर भाष्य कैसे लिखा इसके ऊपर कमेंट कैसे लिखा लोगों ने तो कई लोगों ने इसके ऊपर कमेंट लिखा इसके ऊपर टीका की टिप्पणी की और इसका विस्तृत विवरण किया संक्षिप्त विवरण भी किया जैसे मैं कोई इतिहास से संबंधित एक पुस्तक लिखूं और कालांतर में आप लोग उसकी नकल करो और उसके ऊपर एक टीका लिख दो थोड़ा बहुत परिवर्तन कर दो तो बड़ा इजी है कमेंट करना किसी के ऊपर किसी के ऊपर भाष्य लिखना कमेंट करना बड़ा इजी है क्या लगता है भाई लेकिन सबसे पहले कोई नवीन पुस्तक लिखना ये सहज नहीं है ये आसान नहीं है तो इस मनुस्मृति के ऊपर कई लोगों ने कमेंट किया और इसको मैं आपको बता रहा हूं इसमें एक कमेंटर थे इनका नाम है गोविंद गोविंद मुनि और एक कमेंटर और हैं इनका नाम है भारुची मुनि और एक कमेंटर और हैं इनका नाम है मेघा तिथि और एक कमेंटर और नहीं है इसी में से चलिए अब हैं उसी को बता देते हैं एक कमेंटर और है चौथे उनका नाम है कुल्लूक भट्ट कुल्लूक भट्ट अभी देखो मुझे आज भी याद है इतने कठिन कठिन शब्द तो याद करने का कई बार कुछ कोड भी काम करता है अब आपसे प्रश्न पूछा जाएगा यहीं पे जैसे यहाँ कुल्लुक भट्ट ना लिखा गया विश्वरूप लिख दिया गया यहाँ पे मेघा ना लिख के अपरार्क लिख दिया गया कुछ और लिख दिया गया एक हटा दिया गया बड़ा आसान प्रश्न बनता है प्रश्न बनाने में बड़ी आसानी होती है लेकिन प्रश्न बड़ा कठिन होता है तो इतने लोगों ने टीका लिखी इतने लोगों ने टिप्पणी लिखी आपको भी याद हो जाएगा एक कोड बताता हूं हमेशा ये देखिए गोभी खाते हैं ना तो गोभी खाते हैं तो गोभी मत लिखिए गोभा लिखिए थोड़ा उल्टा कीजिए ये मेरा कहना नहीं है ये आप लोगों ने देखा होगा कि एक एपिसोड बनाया था मिर्जापुर एपिसोड कालीन भैया वो बड़ा चर्चा में थे तो कई बार ये है कि कुछ मित्रवत व्यवहार भी है लोगों के साथ में तो उन्होंने कहा मुझे कुछ भी नहीं आता था मैं तो एक होटल में काम करता था लेकिन मैंने सोचा कि सब उल्टा ही किया जाए उल्टा करेंगे तो आप लोगों के बीच में फेमस हो जाएंगे तो उन्होंने वैसा जैसे गोभी है तो उसे गोभा कहा जैसे कुछ इस तरीके से कहा तो वैसे ही हमने भी थोड़ा यहाँ पे सीखा कि गोभी को फिर गोभा कहो और आगे मेकू लिख दो अब ये कोड हो गया जिंदगी में कभी आपको ना भूलने वाला गो का मतलब गोविंद हो गया भा का मतलब भारूची हो गया मे का मतलब तिथि हो गया कु का मतलब कुल्लुक भट्ट हो गया इन्हीं चारों लोगों को तो लिखा है हमने ये देख कभी भूलेगा क्या ये भाई ये मनु के चार टीकाकार हैं ये मनु के क्या हैं ये चार टीकाकार आपके सामने हैं देखिए इनको याद कीजिए जल्दी से याद कीजिए ठीक याद कीजिए और जो नवीन लोग जुड़ रहे हैं वो लाइक कीजिए इसके बाद में एक कोड और आपको बता देता हूं लगे हाथ एक और स्मृति है और उसका नाम है याज्ञ वलक्य स्मृति याज्ञ वलक्य स्मृति इसको किसने लिखा था इसको याज्ञ वलक्य मुनि ने ही लिखा था और इसका कोट क्या है एक क्रीम आप लोग लगाते होंगे निबिया निबिया क्रीम लगाते हैं ना निबिया तो इसका भी कुछ उल्टा बनाइए जैसे वहां गोभी का गोभा आपने बनाया था वैसे इसका भी कुछ उल्टा काम कीजिए निबिया का भी तो निबिया का कैसे हमने उल्टा काम किया देखिए निबिया निबिया को आप बिबिया कर लीजिए निबिया को आप बिबिया कर लीजिए और बिबिया में तीन लोग शामिल हैं और तीनों लोगों को यहां पे लिख लीजिए यहाँ पे तो पहले जो बी का मतलब है उसका मतलब है विज्ञानेश्वर देखिए ये भी खूब भूलता है इस तरीके से आप पढ़ाई कर करके कर इतिहास को याद कर लीजिए जिंदगी में कभी नहीं भूलेगा और कोर्ट जिंदगी में बहुत काम आता है यह प्रश्न को गलत नहीं होने देता खास ये बात और दूसरे बी का मतलब है विश्वरूप और आ का मतलब क्या है आ का मतलब अपरार से है ये सिलाहार डायनेस्टी का एक किंग है ये भी ध्यान रखना यह भी यूपीएससी में पूछा है कि अपरार कौन है तो स्वयं किंग है और बहुत बड़ा साहित्यकार भी है तो ये देखिए इसको कोर्ट को देखिए और जल्दी से याद कीजिए जल्दी से याद कीजिए ठीक समझ में आ गया ना हाँ आगे बढ़िए लौटते हैं पुनः अपनी क्लास पे अब आते हैं बौद्ध और जन जैन ग्रंथ के बारे में देखते हैं जानते हैं कि जो बुद्धिज्म से संबंधित ग्रंथ हैं और जैनिज्म से संबंधित ग्रंथ हैं वो क्या कहते हैं मौर्य साम्राज्य के ऊपर तो जो बौद्ध ग्रंथ है हमने आपको बताया था स्टार्टिंग में ही एक ग्रंथ है जिसका नाम है महावंश और एक का नाम है दीप मुख्यतया श्रीलंका में जो बुद्धिज्म का प्रचार और प्रसार किया गया उसका उल्लेख इसमें मिलता है लेकिन ये जो महावंश है महावंश में चंद्रगुप्त मौर्य को क्षत्रिय बताया गया है क्या बताया गया है क्षत्रिय था ये। एक और ग्रंथ है बौद्ध ग्रंथ जिसका नाम है दिव्यावधान में भी इसी बात का वर्णन किया गया है इसी बात का मतलब इसमें भी क्षत्रिय कहा गया है चंद्रगुप्त मौर्य को एक जैन ग्रंथ है जिसका नाम है परिशिष्ट पर्वन इस परिशिष्ट पर्वन में चंद्रगुप्त मौर्य को क्षत्रिय बताया गया है एक जैन ग्रंथ है जिसका नाम है हरियाद्वीप इसमें भी चंद्रगुप्त को क्या कहा गया है क्षत्रिय कहा, 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 कहा गया है क्या कहा गया है क्षत्रिय कहा गया है चंद्रगुप्त मौर्य को यानी जैन ग्रंथ और बुद्धिज्म से संबंधित ग्रंथ संबंधित ग्रंथ चंद्रगुप्त मौर्य या मौर्य शासक को क्या बोलते हैं क्षत्रिय बोलते हैं चूंकि ये स्वयं क्षत्रिय महावीर स्वामी क्या थे क्षत्रिय थे महात्मा बुद्ध क्या थे क्षत्रिय थे इन लोगों का गोत क्षत्रिय था तो इनका ग्रंथ क्या बताएगा इनको भाई अपनी तरफ इनको शामिल करने का प्रयास करेंगे ना ये भी तो बात है जरा सोचिए आप लोग तो ये लोग क्या कह रहे हैं ये लोग क्षत्रिय कह रहे हैं अब विदेशी साहित्य भी है विदेशी साहित्य में हम लोग मौर्य वंश के इतिहास को कैसे जानेंगे तो मेगस्थनिस की इंडिका है जस्टिन की इपोटोमी है इससे हम लोग जानेंगे प्लूटार का विवरण है और प्लिनी की नेचुरल हिस्टोरी का है और एरियन का विवरण ये चार पांच और भी कई विदेशी विवरण है लेकिन मुख्य विवरण यही है जिसमें हमें मौर्य साम्राज्य के बारे में जानकारी मिलती है अगर आपसे प्रश्न पूछे कि इन चारों विदेशी ग्रंथों में से किसमें मौर्य साम्राज्य का सबसे बिशद विवरण किया गया तो आप उत्तर तुरंत देंगे कि मेगास्थनिज की इंडिका में किया गया उसके बाद जस्टिन की इपोटोमी में फिर प्लूटार्क ने भी विवरण दिया हुआ है फिर प्लिनी ने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम था प्राकृतिक इतिहास और इसी को अंग्रेजी में नेचुरल हिस्टोरी का या नेचुरल हिस्ट्री के नाम से जाना जाता है एरियन के ग्रंथ में भी मौर्य साम्राज्य के बारे में जानकारी मिलती है सबसे पहले पहुंचेंगे हम लोग मेगस्थनीज की एंडिका पर तो ये जो मेगस्थनीज था ये है सेलुकस का राजदूत था ये चंद्रगुप्त तो मौर्य के दरबार में भारत आया था और चंद्रगुप्त तो मौर्य के दरबार में लगभग ये 304 ईसा पूर्व में भारत आया और 299 ईसा पूर्व में चला गया था लगभग पांच वर्षों तक भारत में रहा यह हाँ मुख्यतया पाटलिपुत्र में रहा इसने अपना वृतांत इंडिका नामक ग्रंथ में लिखा है यात्रा वृतांत इंडिका में चंद्रगुप्त मौर्य के व्यक्तित्व के बारे में जानकारी मिलती है राजधानी पाटलिपुत्र के बारे में जानकारी मिलती है इसके शासन व्यवस्था के बारे में जानकारी मिलती है सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि इंडिका में मौर्यों के राजस्व प्रशासन का क्या वर्णन मिलता है तो इंडिका कहती है कि मौर्यों के भू राजस्व की दर एक बटा चार थी जबकि कौटिल्य क्या कहता था कौटिल्य कहता है एक बटा इस अंतर को जाने आप मेगस्थनीज की इंडिका के अनुसार मौर्य शासक अपनी जनता से किसानों से कृषकों से उनकी आय का एक बटा चार भाग पच्चीस प्रतिशत भाग टैक्स के रूप में लेते थे जबकि कौटिल्य अर्थ के अर्थशास्त्र के अनुसार एक बटा छे भाग के रूप में टैक्स लेते थे इस अंतर को समझते रहिएगा यही आपसे पूछेगा अब ये जो मेगस्थनीज की इंडिका है इसमें जो पाटलिपुत्र मौर्यों की राजधानी है इसका व्यापक विवरण मिलता है मेगस्थनीज अपनी इंडिका में कहता है कि इस समय जो पाटलिपुत्र का राजा प्रसाद है जहां पर राजा निवास करता है वह इतना भव्य है कि ईरानी यानी परसिया के शासक सूसा और एक बतना के महल भी टक्कर नहीं दे पाते ये स्थिति है इसलिए मैं कहता हूं अखिल भारतीय साम्राज्य है और अभी तो आपको कुछ भी नहीं पढ़ाया मौर्य साम्राज्य में तो ये है मौर्यों की राजधानी जिसका सबसे ज्यादा व्यापक व्यापक विवरण अरसास में भी नहीं मिलता मेगस्थनीज इसकी इंडिका में मिलता है क्योंकि मेघस्थनी जाता है तो यही रहता है पहाटल पुत्रे में बहुत दिनों तक रहता है इसीलिए सबसे ज्यादा व्यापक विवरण दिया हुआ है तो राजदूत है तो राजदूत कहां रहेगा आज भी विदेशी लोग आते हैं तो कहां जाते हैं सबसे पहले ताजमहल ताजमहल क्यों या कुछ जो प्रसिद्ध स्थान होते हैं वहां जाते हैं तो यहां पे देखिए आप सभी लोग ये कहता है मेगस्थनीज अपनी इंडिका में कि इसकी जो लंबाई है इस पाटलिपुत्र की ये पाटलिपुत्र आप समझिए अब ध्यान से थोड़ा समझ लीजिए इस फिगर को क्योंकि इसको समझ लिया तो समझो कि पूरे मौर्य साम्राज्य को समझ लिया ये आप समझो कि ये क्या है ये पाटलिपुत्र है और ये पाटलिपुत्र की जो यहाँ पे लंबाई है ये ये लंबाई कुल कितनी है ये कुल अस्सी स्टेडिया है स्टेडिया क्या है स्टेडिया ये लंबाई मापने की एक इकाई है गंगा नदी यहाँ पे बह रही है सोन नदी यहाँ पे बह रही है गंडक नदी इधर में बह रही है गंडक नदी में बाढ़ आ चुकी है इस समय बिहार में आप लोग देख रहे होंगे बिहार की नदियां गहरी नहीं है और दूसरे नेपाल का पानी भी बिहार आ जाता है इसलिए बिहार में बहुत ज्यादा बाढ़ आ जाती है अब एक बात आप लोग सुन लीजिए ध्यान से इसको थोड़ा सा उल्टा हो गया है तो यहां पे मैं लिख रहा हूं एक किलोमीटर एक किलोमीटर बराबर फाइव स्टेडिया के एक किलोमीटर बराबर फाइव स्टेडिया स्टेडिया के जैसे आपने देखा कि स्टेडिया लंबाई चौड़ाई मापने का एक पैमाना है जिसका विवरण मेगस्थनीज करता है जिसका विवरण क्या कौन करता है मेगस्थनीज करता है ठीक कौन करता है मेगस्थनीज जिसका विवरण करता है तो एक किलोमीटर में पांच स्टेडिया होता है तो तीन किलोमीटर में पंद्रह स्टेडिया हो गया तो यानी कि ये जो सोलह अस्सी स्टेडिया है ये कितने किलोमीटर के बराबर है ये अट्ठारह किलोमीटर के बराबर है कितने किलोमीटर के बराबर है सोलह किलोमीटर सॉरी कितने किलोमीटर के बराबर है सोलह किलोमीटर सोलह पंचे अस्सी सोलह किलोमीटर के बराबर है बिल्कुल स्पष्ट समझिए क्लियर समझिए यानी पाटलिपुत्र में स्थित मौर्य राजा प्रसाद की अब समझिए कि लंबाई कितनी है सोलह किलोमीटर है और एक किलोमीटर में आप लोगों ने देखा पांच स्टेडिया होता है तो 16 किलोमीटर में 80 स्टेडिया हुआ इसकी चौड़ाई कितनी है इसकी चौड़ाई 15 स्टेडिया है ध्यान रखना आप लोग यानी इसकी चौड़ाई कितनी है तीन किलोमीटर है लंबाई 16 किलोमीटर है 80 स्टेडिया है चौड़ाई यहां पे आप लोगों ने देखा 15 स्टेडिया है चौड़ाई पंद्रह स्टेडिया है अब कहा जाता है कि ये जो मौर्यों का राजा प्रसाद है इसमें चौवन चौसठ तोरण द्वार हैं। तोरण का मतलब प्रवेश द्वार इसके चारों तरफ से चौसठ तो घर में नहीं होते भाई हमें लगता है संसद भवन में भी चौसठ द्वार नहीं होंगे इस समय एंट्री के गेट चौसठ थे जिसको तोरण द्वार के नाम से जाना जाता है और 570 बुर्ज थे पिलर्स थे इसमें इसके अलावा इसके चारों तरफ आप लोग देखेंगे तो एक मीटर चौड़ी और 30 हाथ गहरी खाई थी ये देखिए अब आप लोग इसको ध्यान से समझिएगा इसीलिए मैंने ये चित्र बनाया हुआ है यहाँ पे इसको समझिए ये जो रेड लाइन यहाँ पे आपको दिखाई पड़ रही है इसको ग्रीन कर देते हैं और आपको दिखाई पड़ जाएगी इसको आप लोग क्या समझेंगे इसको समझेंगे कि ये चारों तरफ गहरी खाई खुदी हुई है जो रक्षा प्राचीर का काम कर रही है और इस खाई की यहां पे कहा गया है कि ये एक मीटर चौड़ी खाई है और साथ साथ में ये तीस हाथ गहरी खाई है कि सामने वाला कोई आक्रमण करे तो उसकी सेना तो इसी खाई में गिर के ही खत्म हो जाएगी जैसे वो जो फिल्म आई थी आप लोगों ने देखा होगा अलाउद्दीन की सेना कैसे उस किले के आसपास में टकरा के खत्म हो गई थी आधी सेना लेकिन फिर भी अलाउद्दीन नहीं माना तो ये गहरी खाई है ये रक्षा प्राचीर का काम कर रही है ये सुरक्षा दीवार का काम कर रही है और इसमें जो गेट रहेगा वहां पे एक तरीके से ऐसे उसको पाटा रहेगा सामने वाला दुश्मन समझ ही नहीं पाएगा और तुरंत वो एक तरीके से किसी के माध्यम से खींच लिया जाएगा सामने वाले की सेना जो घोड़े से आ रही हाथी से आ रही है उसी गहरी खाई में गिर जाएगी और खत्म हो जाएगी तीस हाथ गहरी खाई है जिसमें पानी भरा हुआ है सब डूब जाएंगे उसमें खत्म हो जाएंगे तो ये सुरक्षा प्राचीर के रूप में है ठीक बहुत विशद विवरण यहां पे किया गया है मेगास्थनीज ने चंद्रगुप्त को सेंडोकोटस कहा है ध्यान रखिएगा पाटलिपुत्र नगर का प्रशासन पांच समितियों के माध्यम से किया जाता है ये कौन कहता है ये मेगस्थनीज कहता है जो ये पाटलिपुत्र नगर है इसका प्रशासन कौन देखता है पांच प्रकार की समितियां देखती हैं और प्रत्येक समिति में जो सदस्य होते हैं वो छह सदस्य होते हैं तो कुल कितने सदस्य हुए कुल यहाँ पे छह सदस्य थे तो कुल तीस सदस्य हुए ठीक इसी इसी पाटल इसी मेघ के इंडिका में उत्तरापथ मार्ग का विशद विवरण दिया गया है यह सड़क सिंध को बंगाल के सोनार गांव से जोड़ती इसके बारे में आप लोग देखिए तो ये आप समझिए कि ये बंगाल है और बंगाल का सोनार गांव है बंगाल का क्या है सोनार गांव है ठीक सोनार गांव और ये आप सिंध समझिए जो पाकिस्तान का सिंध है सिंध और इसी में उत्तरापथ मार्ग के इतिहास का व्यापक रूप से विवरण मिलता है ऐसा माना गया कि ये पूर्वी भारत को पश्चिमी भारत से मिला रहा है और इस मार्ग का नाम क्या है इस मार्ग का नाम है उत्तरापथ मार्ग जो संपूर्ण उत्तर भारत को जोड़ दे उसी को उत्तरापथ मार्ग के नाम से जाना गया और इस उत्तरापथ मार्ग का निर्माण किसने करवाया था कोई बताए जल्दी से ये जो पाथ है ये जो रास्ता है इसका निर्माण किसने करवाया था बालक बताओ जल्दी से इधर भी एक नजर इधर भी एक नजर इधर भी चैट से अगर मुक्ति मिल जाए तो एक नज़र इधर भी देखिए बताइए जरा इस मार्ग का निर्माण किसने करवाया था ईश्वर सिंह जी अब जब हमारी नजर पड़ेगी तो जो अंतिम में चैट करता हुआ मिलेगा उसी को कुर्बानी देनी पड़ेगी क्यों किसने करवाया था भाई हम्म अशोक ने हाँ यही पढ़ाई की है क्यों पूजा कम से कम नाम की तो जीवन गाथा को आगे बढ़ाना है बेटा बाबू हम्म देर शाह ने किया था वाह भाई रितिका सिंह आपने तो कल्याण कर दिया किसने बनवाया था यह मार्ग हुँ? तो सीएम ने बनवाया था कहां के सीएम ने बनवाया था उत्तराखंड के नहीं इसका नाम ही सीएम है और सीएम का मतलब है चंद्रगुप्त मौर्य कालांतर में जब शेर शाह शासक बना तो शेर शाह ने इसका नाम बदल दिया शेर शाह ये वही शासक है अफगान शासक जो हुमायूं को पराजित करता है इसने इसी उत्तरा पथ का नाम बदल के शेर शाह सूरी रोड इसका नाम कर दिया बाद में हम लोगों के ऊपर अंग्रेजों ने राज्य किया और अंग्रेजों का एक गवर्नर था जिसका नाम था लॉर्ड आकलैंड ये अट्ठारह के पूर्व ही था इसने इस शेर शाह सूरी रोड का नाम बदल दिया हमारे यहाँ नाम बदलने की परंपरा है अभी भी ये बरकरार है तो ये लॉर्ड ऑकलैंड ने इसका नाम बदल दिया और इसका नाम क्या रख दिया जीटी रोड कर दिया ग्रांड टंक रोड इसका नाम क्या कर दिया जीटी रोड इसका नाम कर दिया जब हम लोग आजाद हुए तो आजादी के बाद में इसका नाम बदल के क्या कर दिया नेशनल हाईवे राष्ट्रीय राजमार्ग इसका नाम कर दिया तो नंबर दो यहाँ दिल्ली यहाँ सोनार गांव से चलता है दिल्ली पहुंचता है नंबर दो और नंबर एक यहाँ दिल्ली से चलता है और यहाँ बिल्कुल पाकिस्तान के बॉर्डर तक पहुंचाता है तो राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर एक नंबर दो मिलके ये जीटी रोड का निर्माण वर्तमान में कर रहे हैं तो ये रहा उत्तरापथ मार्ग की बात जिसका विशद विवरण मेगस्थनीज की इंडिका में पहली बार मिलता है जिसका विशद विवरण मेगस्थनीज की इंडिका में कहा मिलता है पहली बार मिलता है अब ये जो मेगस्थनीज की इंडिका है इस इंडिका में मेगस्थनीज कुछ भ्रामक विवरण भी देता है ये मेगस्थनीज भारत की वस्तु स्थिति को नहीं समझ पाता इसीलिए कुछ भ्रामक विवरण भी देता है कहता है कि भारत में सात प्रकार की जातियां हैं क्या कहता है कहता है भारत में सात प्रकार की जातियां हैं लेकिन हम लोग बचपन से ही पढ़ रहे हैं और बचपन से क्या हम लोग तो सनातन धर्म से पढ़ रहे हैं हम लोग वैदिक युग से पढ़ रहे हैं और वैदिक युग से देख रहे हैं कि भारत में कुल कितनी जातियां थी चार थी ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र तो ये शायद समझ नहीं पाया होगा इसलिए इसने भ्रामक विवरण दे दिया लेकिन आपसे पूछ सकता है और पूछा भी है कि मेघरथनिज ने कितने प्रकार की जातियों का विवरण किया तो सेवन प्रकार की सेवन टाइप की जातियों का विवरण किया जैसे हमारे यहाँ पहले से ही हम लोगों को पता है इसकी आलोचना कर देंगे कि भाई वेदों में मिलता है उसके बाद में स्मृति ग्रंथों में मिलता है उप वेदों में भी मिलता है और उत्तर वैदिक ग्रंथों में भी मिलता है यहां तक कि कौटिल्य के अर्थशास्त्र में भी, भी मिलता है चार जातियों का विवरण आगे कहता है ये भारत में दास प्रथा नहीं थी क्यों क्योंकि ये पाटलिपुत्र के राजा प्रसाद के आसपास ही घूमता था तो राजा के आसपास भी अगर कोई दास मिलेगा तो वो भी ठाट बाट अच्छे तरीके से दिखाएगा वहां तो फाइव स्टार होगा तो वहां दास कहाँ नजर आएगा मान लो फाइव स्टार होटल में भी आप जाते हैं तो वहां पे सूट बूट पहने हैं और आप होटल मैनेजमेंट की डिग्री पाए हुए लोग देखेंगे तो वो दास लगेंगे आपको कितनी क्वालिटी मेंटेन करके रखते हैं वो तो अंग्रेजी में बात करते हैं तो शायद ये पाटलिपुत्र के आसपास में ही रहा हो कहीं गांव की तरफ ना गया हो जौनपुर न घुमा हो इलाहाबाद न घुमा हो तब कैसे कहेगा कि भारत में दास व्यवस्था थी जबकि प्राचीन काल में ऋग्वेद में कई प्रकार के दासों का वर्णन मिलता है मनु स्मृति में मिलता है याज्ञवलक स्मृति में मिलता है नारद स्मृति में मिलता है स्वयं कौटिल्य के अर्थशास्त्र में भी कई प्रकार के दास मिलते हैं पूरे मध्यकालीन भारत में दास व्यवस्था है और दास शासक के रूप में है गुलाम वंश का पूरा इतिहास आता है फिर उस तुगलक ने भी दास विभाग स्थापित करवाया था ये कहता है मेगस्थनीज की भारतीयों को लेखन कला शैली का ज्ञान ही नहीं था भारतीय लिखना जानते ही नहीं थे तो पढ़ने की तो बात छोड़े देखिए क्या बोल रहा है कुछ बोलेंगे इसके बारे में मेगस्थनीज के बारे में आप लोग मान लो यही बात यूपीएससी इंटरव्यू के रूप में पूछे कि देखो मेगस्थनीज ने क्या बोला क्या कहना चाहते हैं आप तो क्या कहना चाहते हैं जल्दी से बोलिए कुछ भी कह रहा है भारतीयों को लिख ही नहीं पाते थे कुछ भी सही कह रहा है क्या आप लोग कुछ भी नहीं लिख पाते हुँ? माही पटना सच में नहीं ऐसा होता लिख ही नहीं पाते आप सभी लोग जरा बताइए विशाल आपको भी हमने देखा था आज विशाल कुमार पढ़ाई कर रहे थे आप देखा था मैंने बताइए भाई ऐसा था क्या गलत कह रहा था हाँ बहुत संभाल संभाल के बोल रहे हैं रहे रहें इसको किसी तरीके से क्यों भिजवाएं क्या मेजस्तनीज को आप लोगों के पास रोहन के पिताजी भिजवा दें बताइए निपट लेंगे आप लोग भारतीयों ने वेद लिखा पुराण लिखा स्मृति ग्रंथ लिखा उपनिषद लिखा अर्थशास्त्र लिखा मुद्रा राक्षस लिखा ऊपर से बताओ ये क्या कह रहा है इसे भ्रम हो गया था इसे क्या हो गया था इसे भ्रम हो गया था इसलिए गलती से इसने विवरण दे दिया तो थोड़ा बख्श दो इसको ये कहता है कि भारत में अकाल नहीं पड़ता ऐसा नहीं था सिंधु घाटी सभ्यता से हमें कई प्रकार के सीमेट्री कई प्रकार के क्या बोलते हैं ग्रेनरीज के साक्ष्य मिले हुए हैं महान अन्नागार का साक्ष मिला हुआ है अन्नागार मतलब अन्न रखने का स्थान अनाज रखने का स्थान मोहन जोदड़ो से मिला हड़प्पा से मिला हड़प्पा से तो आप लोग देखेंगे कि एक ही रो में सिक्स ग्रेनरीज मिली एक दो तीन चार पांच ग्रेनरीज मिली हुई हैं छह अन्नागार मिले हुए हैं जबकि मोहनजोदड़ो से महान अन्नागार मिला हुआ है ग्रेट ग्र, गेटर ग्रेनरीज यहां से मिली हुई है और क्या मौर्य साम्राज्य के शासकों ने नहीं बनवाया यहां भी आपको मैं बताता हूं कि दो स्थान हैं एक का नाम है सोह गौरा सोह गौरा सोह गौरा से गौरा से एक जिले एक का नाम आता है उत्तर प्रदेश में रहता है और इसका नाम होता है गोरखपुर ये सोह गौरा जो मौर्य काल का ये एक तरीके से यहाँ पे क्या था सोह गौरा में सोह गौरा में अन्न कोठार था अन्न भंडार था अन्नागार था ग्रेनरी स्थित यहां से अन्नागार का साक्ष मिला हुआ है ये आपसे कई बार पूछता है ध्यान रक... ध्यान रखिएगा तो ये सोह गौरा का जो साक्ष मिला है वो गोरखपुर से साक्ष मिला हुआ है और एक स्थान है जिसका नाम है महास्थान ये महास्थान ये स्थान है समझिएगा और ये कहाँ है ये बांग्लादेश में है वर्तमान में और यहाँ से भी हमें अन्न अन्नागार का साक्ष मिलता है बांग्लादेश से भी हमें अन्नागार का साक्ष मिलता है और मेघ कहता है कि भारत में तो क्या है भारत में तो अकाल ही नहीं पड़ता भाई अकाल नहीं पड़ता तो इतने बड़े बड़े अन्नागार मोर सम्राट क्यों बनवाते तो अकाल जैसी विपरीत स्थितियों से निपटने के लिए ही शासक तो अन्न भंडार अन्नागार का निर्माण करवाते हैं आज भी तो ऐसा है जिसको बोलते हैं गोदाम आप लोग स्वयं अपने घरों में दो दो किलो तीन तीन किलो चीनी मुझे पता है चीनी खूब खाते हैं आप लोग चीनी मतलब सुगर तो रिजर्व करके रखते हैं गेहूं भी रिजर्व करके रखते हैं चावल भी रिजर्व करके रखते हैं और क्यों नहीं रिजर्व करके व्यक्ति रखेगा रखेगा कम से कम एक आध दो महीने का तो रखेगा ही ना ठीक तो ये एक तरीके से हम लोगों ने साहित्य को पढ़ लिया और साहित्य को पढ़ने के बाद में हम लोग अभिलेख को पढ़ेंगे ठीक है साहित्य को पढ़ने के बाद में हम लोग अभिलेख को पढ़ेंगे साहित्य को पढ़ने के बाद में हम लोग किसको पढ़ेंगे अभिलेख को पढ़ेंगे और अभिलेख के माध्यम से हम लोग देखेंगे वैसे और ये जो अभिलेखीय साक्ष्य है, साक्ष है अशोक के जो अभिलेख हैं तमाम सारी बातें हैं इसको हम लोग पढ़ेंगे लेकिन आज की मुलाकात बस इतनी और कुछ बातें आपको बताता हूँ कल भी क्लास है और कल हम लोग अशोक के अभिलेखों को पढ़ेंगे और अशोक का अभिलेख थोड़ा सा पढ़ के आइएगा उसको समझ पाना इतना आसान नहीं है किताबों में तो आप पढ़ते रह जाएंगे समझ में नहीं आएगा कि अभिलेख क्या है शिला लेख क्या है पिलर स्तंभ क्या है और इसमें से लोअर क्या है मिडल क्या है अपर क्या है तो इस बात को मैं कल आपको समझाऊंगा आपकी समझ में भी आ जाएगा लेकिन थोड़ा सा कल पढ़ के आइएगा और कल भी चार बजे से ही क्लास होगी क्लास ऑलरेडी बन चुकी है आप लोगों के बीच में तो आज हम लोगों ने मौर्य साम्राज्य के इतिहास जानने का साहित्यिक स्रोत पढ़ा उसमें स्वदेशी और विदेशी दोनों स्रोत थे कल हम लोग मौर्य साम्राज्य का इतिहास जानने का अभिलेखीय साक्ष्य पढ़ेंगे और यहीं से प्रश्न आता है राजनीतिक इतिहास से थोड़ा कम ही प्रश्न आता है प्रश्न आजकल साहित्यिक प्रशासनिक इतिहास से ही आता है। हैप्पी फादर डे है तो हमारी तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं हैं आप सभी के माता मही पितामही सभी को ऐसा नहीं कि केवल पिताजी को माताओं को भी जिन्होंने आपको जन्म दिया और हमेशा माता पिता का सपोर्ट पाना बहुत जरूरी है माता अहम पृथ्वी पृथ्वी से बड़ी माता का दर्जा है आकाश से बड़ा पिता होता है दर्जा दिया गया है आप सोच लीजिए माता के लिए तो बच्चा कितना भी खराब हो लेकिन वो सबसे प्यारा बच्चा उसका बच्चा ही है कितना भी खराब हो लेकिन उसका बच्चा विश्व का सबसे प्यारा बच्चा है सोच लीजिए आप ये होता है प्रेम ये होता है डिवोटेड लव ये होता है समर्पण और मां बाप कभी भी अपने बच्चे का भला नहीं सोचते जिंदगी में तो उनकी सेवा कीजिए उनका सपोर्ट कीजिए उनके साथ रहिए उनकी हेल्प कीजिए उसमें भागीदारी कीजिए यही सबसे बड़ा कर्म है तो अपनी इन्हीं बातों के साथ आज की क्लास को मैं विराम दे रहा हूं हमारा अनएकेडमी हिस्ट्री बाई संजीव पांडे के नाम से टेलीग्राम चैनल है आप लोग उसको ज्वाइन कीजिए पीडीएफ आपको मिल जाएगा लगभग पीडीएफ आपको मिल गया है कुछ पीडीएफ एकाध दो बचे हुए हैं उसको भी सेंड कर दिया जाएगा आपको निश्चित रहिए और कुछ पूछना हो तो बताइए अगर कुछ पूछना हो तो बताइए तो कल चार बजे हम लोग मिलेंगे और कुछ अभी पूछना हो तो बता सकते हैं हाँ आने तो मुगल प्रशासन क्रम से चल रहे हैं ना अभी तो अकबर पढ़ेंगे अकबर ही नहीं खत्म हुआ अकबर के बाद जहांगीर फिर शाहजहां फिर औरंगजेब फिर मुगल प्रशासन पढ़ेंगे कंप्लीट जैसे सल्तनत प्रशासन पढ़ा था ना याद आ रहा है जैसे सल्तनत काल का प्रशासन पढ़ा था वैसे पढ़ेंगे निश्चिंत रहिए आप लोग हाँ सही कह रहे हो अमन और कुछ अन अकेडमी हिस्ट्री वाइज संजीव पांडे के नाम से सर्च करके ज्वाइन कर लो कई हज़ार लोग उसमें जुड़े हुए हैं आप लोग भी शामिल हो जाए पीडीएफ मिल जाएगा लिंक मिल जाएगा ठीक चलिए बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया थैंक यू आज की क्लास के लिए